ओ नुक्कड़ का नंदू ओ दीनू दिहाड़ी, ओ नुक्कड़ का नंदू ओ दीनू दिहाड़ी, ओ गली का गोपी ओ पप्पू पनवाड़ी, ओ बाजू का बनिया ओ लल्लू लोहार, ओ गधा ओ धोबी ओ कल्लू कुम्हार, ओ चाय वाला चंदू ओ झब्बन का झाड़ू, ओ मल्लू का मामी ओ सुरेंद्र का साड़ू, ओ आदिल के अब्बा ओ जुम्मन का मम्मी, उस नौकी पटोहिया जेकर नाम हो निमी। बहुत बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा, सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। वाह। और बातें कैसी होती हैं, उ गुप्ता का पोता, उ शर्मा का नाती, उ पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे और तकिया चादर बिछौना के। वाह। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, क्या बात है, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। वाह। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी, भूल कर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी, पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है, और असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी। चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे, पर कैसे कहे, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे, लोमड़ी को अंगूर की जरूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं तो किसी बहाने से रोको, और भटक जाएं तो किसी बहाने से रोको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्वागत। आप सभी लोग व्हाट्सएप में मशगूल रहते हैं। हाँ। मेरी पत्नी कुछ ज्यादा ही रहती हैं। अब दौर कौन सा है कि वो मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया। हाँ। वो अंधों में भी राजा काना आ गया, और भाई बहनों संग खाते थे समोसे, ये पीजा और जीजा का जमाना। वाह वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, छा गए भाई छा गए। गुड मॉर्निंग गुरु। ऊपर पिजारिया और पिजा वही जा वाला। हमारे जीजो वही जा रहा। वो गुड मॉर्निंग वो गुड नाइट का मैसेज, वो गुड मॉर्निंग वो गुड नाइट के मैसेज, वो जीजा साला भौजाई का मैसेज, वो पांचमू वाला रेगिस्तान में सांप मिला है, वो 90 साल के ताऊ को खोया बाप मिला है, वो हीरोइन क्यों साइन बाइक गई थी, वो पाक की नियत नहीं सही थी, वो मिर्चा संग नीम से कोरोना हारेगा, इस बार अमेरिका चीन में घुसकर मारेगा, इन बेहुदा खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विश्व का भैया व्हाट्सएप ही का। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। उस शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना संभव नहीं है वैसे, वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे भैया, यहाँ सांस्कृतिक संकुल में मेला लगता है, तो हमारी पत्नी गई वहाँ पे, तो उनका पर्स छूट गया, तो हमसे कहीं जाके वो पर्स ले आएगा, हमके कौन दुकान पे छोड़ी थी, कहीं कोने वाली दुकान पे, हमके कोई आप आइडेंटिटी बताइए दुकान वाले की, कहीं बड़ा टिनटिनहा है। हम गए दुकान पे, हम पूछे भैया साड़ी की दुकान है, तो कहा कि भाई आपको दिख नहीं रहा आंख नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी हुई टिनटिनहा है। हमके मेरी वाइफ आई थी, पर्स छूट गया था, कहीं सबकी पत्नी आती है, नया क्या है, हम नया नया फोन लिए थे, हम दिखाए देखिए यही पत्नी है, कहने देखिए कोविड का दौर चल रहा, मास्क लगाई है, अब हम कैसे पहचाने की आपकी पत्नी है, हम सोच में पड़ गए, हम कि भैया कल दिन भर कोई ऐसी औरत आई थी जिसके जाने के पश्चात मन किया हो दुकान को फूंक दे। अरे वाह, पर्स पकड़ा गया। बहुत अच्छे गुरु, वाह 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 वाह, एकदम मौली के राजा। ये भी सच है भाई। बहुत सही। वो शुगर घटाने के नायाब तरीके, वो पत्नी को मनाना हम कैसे सीखे, वो पृथ्वी पर उल्का पिंड टकराने वाला है, वो परवेज मुशर्रफ ओसामा का साला है, वो प्राइमरी और एसएससी भर्ती वाला जी के, वो दक्षिण दिशा की ओर देखना छीके, वो मोदी और केजरीवाल जी में कौन ज्यादा बढ़िया है, वो कैंसर का इलाज भैया खड़ा धनिया है, इन वाहियात खबरों का कैसे निवारण होगा, स्थिति विशुद्ध का भैया व्हाट्सएप ही का। क्या बात है। और द्वापर में होता तो महाभारत इसी के कारण होता, और शिशुपाल और शकुनी का ये सजीव उदाहरण होता, और पितामह का स्टेटस हमेशा सिंगल होता, मोबाइल छीना जाता ना, क्या ज्ञातवास के लिए कोई जंगल होता, और कान्हा इन्हीं के जैसे होते, 24 घंटे ऑनलाइन रहते, वो 16,000 ग्रुप में ज्वाइन रहते।
और खबरें कैसी और खबरें कैसी फैलती, वो कान्हा की डीपी अर्जुन संग दिखी है, वो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए नई बिल लिखी है, वो दुशासन का चरित्र थोड़ा गंदा है, वो शस्त्र ज्ञान दौड़ के लिए धंधा है और कर्ण अछूत है, कर्ण अछूत है क्योंकि आईफोन नहीं यूज किया है। अरे बहुत अच्छे भाई, वाह 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 डॉक्टर साहब। एकलव ने दौड़ का फोन अलग से लिया है, महाभारत काल में भी इसका असर असाधारण होता और तृतीय विश्वयुद्ध का भी यही कारण होगा। और भैया कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कृष्ण ने नहीं कोई गीता सार दिया होता, कीपैड मोबाइल थमाया होता और पांडवों का उद्धार किया। वाह 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 वाह, सिर्फ चार पंक्तियों। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, आप रामायण वाली रचना पढ़िए इसको, ऐसे कैसे चार पंक्ति। भैया कोई ठोकाई घरे में जने टोका लेने जय नहीं हो टोका तू अब क्या बताएं यार। स्वागत है भैया। पति पत्नी में हमेशा विवाद हुआ है, संवाद कहीं नहीं हुआ है। बजरंगी ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी में संवाद सिर्फ एक बार हुआ है, वो हुआ है रावण और मंदोदरी के बीच में। हाँ, तो मंदोदरी पहुंचती है रावण के समक्ष और कुछ पूछती है। हाँ, बहुत क्या प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी रचना, स्वागत। पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन है, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। क्या बात है। और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश। वाह। तब दशानन बोलते हाँ, गया था एक बार मैं राम रूप धरने, तारना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में। अरे वाह। और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश। राम कौन थे, राम थे कौन, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले, और नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैर कर, क्या बात। राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोच विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर, राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर गए वो कौन है, जो तर गए वो कौन। कपीश मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के, हनुमान जी बोलते हैं हे प्रभु अपने विचारों को आप सही मोड़ दें, और डूबना है नियति राम जिसे छोड़। अरे वाह 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 राम जी भाई वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए। डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दे। वानरों में जोश था, वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, राम ही खबर बने चैनल ना अखबार था, राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे दशानन लिखा वो भी लगे फेंकने, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से, यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी और रावण समक्ष जा वो प्रश्न करने लगे। मंदोदरी कहती है हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है, किया क्या प्रबंध है, तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से और संसार नतमस्तक हुआ रावण के जवाब पे। हाँ। दशानन कहते हैं हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, और पहाड़ों से बस इतना कहा तैर जा तुम्हें राम का। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जय श्री राम, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वाह। राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मत, राम सेतु बने वनवास और राज्य मत, आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट मांगे जा रहे राम के नाम पे, और संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मारीच है महंगाई मेघनाथ है, राम हम स्वयं है लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग वॉरियर्स बन उठाए सबका भार है, और जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा भैया वही पवन पुत्र अवतार है। वाह वाह क्या बात, क्या बात है, जिंदाबाद प्रशांत जी। दो पंक्तियां, राम साधना भी हैं, राम ही साध हैं, अयोध्या और काशी में जो दिख रहा वही राम राज है। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह।